दोस्तों जी हाँ, मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और सेक्स, जी हाँ, सेक्स एक ऐसी चीज है जो मर्यादा में रही तो उचित होता है, जी हाँ। लेकिन सेक्स रैकेट का होना, जी हाँ, पनवेल के खाना पुलिस स्टेशन ने ऐसे ही एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, जी हाँ। इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कुछ लड़कियां लेके आई थी। पुलिस ने सारी चीजों को बरामद कर लिया है, दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। अब देखना यह है कि कुल जो 6 लड़कियां पकड़ी गई हैं, उसमें से 2 नाबालिग हैं, ऐसा भी सूत्रों से पता चला है। और हम जो आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं, ये हम ब्लर करके दिखा रहे हैं ताकि पहचान जहां तक हो सके, हम नहीं चाहते कि लड़कियों की हो, क्योंकि उनकी इज्जत का भी सवाल होता है। तो हम इज्जत और मर्यादा सब कुछ देखकर, मीडिया की मर्यादा को भी देखकर इस बात को बयां कर रहे हैं। दोस्तों सावधान हो जाइए, ऐसे ही काम उल्वे में भी चलते हैं, नवी मुंबई में भी चलते हैं, मुंबई में भी चलते हैं, दुनिया भर में, भारत, पूरे भारत में, महाराष्ट्र में या नवी मुंबई पनवेल में कहिए, सेक्स रैकेट की भरमार है। लेकिन सिर्फ कमी इतनी है कि उन्हें पकड़ना बाकी है। तो खाना कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने ये बहादुरी का काम किया है, जो इस सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, तो यही वो विला है, रो हाउस है, जहाँ पे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया पुलिस ने।